नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय देव ब्लॉग। और देख पा रहे होंगे आज ये ओखला मंडी का नज़ारा है। सुबह का होली का दिन है और आप सभी को होली का हार्दिक शुभकामनाएं। और ये कोकोनट का एरिया है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी भाई लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मुनीम जी भी दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे होंगे। भैया क्या रेट दे रहे हो आज? आज तो 70 ही है, 45-46 रुपये चल रहा है। 45-46 रुपये तो महंगाई बता रहे हो आप। ये मंडी का रेट घटता बढ़ता रहता है सर, मतलब घटता बढ़ता रहता है। हाँ जी सर, तो देख पा रहा हूँ आज करीब 5-6 रुपये सस्ता हुआ है। हाँ जी जी। तो अभी निकलता हूँ अंदर, कुछ फल फ्रूट लेना है मुझे। और पहले जो 52-55 रुपये का था, हाँ, और मैंने जो रेट बताया थोड़ा रेट, हाँ हाँ वही 5-6 रुपये घट गया। वो तो पता है, वो तो पता है, मैं क्योंकि कल परसों ही गया था। और ये होली को जैसे रेट गया, तो चलते आगे भाई जी। थैंक यू। तो गाइस देख पा रहे होंगे ये भाई साहब भी आज बैठे हुए हैं। क्या स्थिति बता दो हल्का, क्या स्थिति क्या है? आप दुकान में वीडियो बना के ले आते हो, बोलने से होगा? हमारा रिएक्शन देखते हो, बोलने से होगा? ये इसी टूल्स का वीडियो क्या दिखाऊं इनको, बता लो। आप लोग वीडियो यूट्यूब पे छोड़ देंगे। गाइस बोल रहे थे वीडियो नहीं छोड़ता हूँ, देखो वीडियो नहीं छोड़ता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। इनको पता नहीं है कैसे डालता हूँ ना भाई। अरे भाई एक में तो 1500-1600 दिखा रहा है जो होलसेल ब्लॉग में डाला हुआ है, बोलने से होगा। तो चलते हैं अंदर भाई साहब, सारे दोस्त है। ना ना ना, आज तो देखो अच्छा दिन में हमारा दोस्त नारियल वाला कालिया दोस्त। अरे देखो रंग से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है। काम से मतलब ना भाई, चलते हैं भैया। देख पा रहे होंगे भैया ना, ये नारियल निकाल रहे हैं देखो अंदर से, और इस तरीके से नारियल निकलते हैं और बिल्कुल फ्रेश दाना है। आजकल पूरा नारियल ही आ रहा है ना, पानी का भी आ रहा है, नारियल का भी आ रहा है। नारियल मतलब पानी कम, नारियल हो जाने पानी कम हो जाता है, देख पा रहे होंगे। तो देखो भैया निकाल रहे, पानी मिलेगा 300 ml 300 ml। अरे ऐसे नारियल नहीं होने से, नारियल होने से 300 ml होते, 200 ml ये 200 ml मतलब, तो मतलब 100 ml कम हो जाता है ना। तो देख पा रहे तो ये भैया ले जा रहे, तो देख पा रहे भैया मेहनत करते हुए। अरे देखो ऐसे काटिंग होता है, तो पार्सल जाएगा। हाँ पार्सल जाएगा, तो देख पा रहे हैं इनका पार्सल जाता है। कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ओ देख पा रहे हैं तो पार्सल जा रहा है, इसलिए काटिंग चल रहा है इनका। थैंक यू भैया। हाँ भैया का रिक्वायरमेंट था जो संतरे का रेट नहीं बताते भाई, संतरे का क्या रेट चल रहा है? अरे बता दो जो दे रहे हो, 50 रुपये देख पा रहे हो, कौन सा वाला 50 रुपये? एक नंबर और दो नंबर? एक नंबर ये सारा आज तुम्हारे पास? तो देख पा रहे होंगे एक नंबर का रेट 50 रुपये चल रहा है, और ये दो नंबर? तो देख पा रहे होंगे ये एक नंबर का रेट है, 50 रुपये चल रहा है। अरे भाई लोग गेट का पास सेल आउट करते हैं ओखला मंडी। तो भाई साहब आप बताओ आम का क्या रेट चल रहा है आज? रेट पूछना है बस, और कुछ नहीं। आम का रेट 80 रुपये किलो। तो आम का रेट 80 रुपये किलो चल रहा है। ये कौन सा आम है? सफेद है? बम्बई? बम्बई। बम्बई से ना, केरल का है? केरल। केरल का होगा। दो एक इधर है, वैरायटी एक इधर है, देख पा रहे होंगे। देखो सेब भी दिखाई दे रहा है। आह भाई सेब का लाजवाब क्वालिटी देखो भाई, 100 रुपये किलो। 100 रुपये भाई आज देख लो भाई, सेब इसे बोलते हैं सेब भाई जी जो दिखा रहे। कहाँ का है ये? किन्नौर? ये नहीं, ये कौन सा है पैकेट? ये नॉर्थ वैली है भाई, नॉर्थ वैली का है, और कंपनी वाला पैकिंग आता है इसमें। कितना किलो का बॉक्स है ये? 20 किलो का। 2000 रुपये ये समझ लो आपको 1950 रुपये का पड़ा। 1950 देख पा रहे होंगे भाई जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। और ये अंगूर? अंगूर ऐसे पड़ रहा करीब 55 रुपये किलो। कौन सा? सोलापुर? या सोलापुर का अंगूर है, देख पा रहे होंगे। और तो आप तो बस ये तीन आइटम है ना आपके पास? तो भाई जी ये बताओ आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे? जी भाई तो दे दो। ले लो 70-65-62-30-44। तो दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। और देख पा रहे होंगे भैया के पास तीन आइटम है, एक है अंगूर, एक है आम, और एक है ये सेब। सेब तो ले ही जाओ यार, सस्ते में ही दे रहे, 100 रुपये किलो दे रहे। थैंक यू भैया। तो देख पा रहे होंगे भैया के पास दिखाई दे रहे खरबूजा, आम और अनार। तो हम लोग इन दोनों का रेट ले चुके हैं, तो इन तीनों का रेट पूछते हैं। अनार का क्या रेट चल रहा है? अनार भाई 80 रुपये किलो। अनार 80 रुपये किलो। कौन कितने दाने का? 6-8 आठ नहीं 12 दाने का। कितना बताया आपने?
80 रुपए किलो, 10 किलो का पेटी आता है। अरे सरदा 4 दाने का, सरदा 450 रुपए, सरदा 450। कौन सा, कहाँ का है? कहाँ का? नासिक का। खरबूजा? खरबूजा भी नासिक वाला है। नासिक वाला है, देख पा रहे होंगे। तो नंबर मिल जाएंगे भैया आपका? हाँ, मेरा नंबर है 84 47 83 13 71। तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और बाकी जानकारी ले सकते हो भैया से। अब आज होली का दिन है, सप्लायर कर देंगे। होली का दिन है आज भैया, दुकानदारी नहीं हुई है, बहुत परेशान हूँ मैं। तो परेशान है, बाकी भैया से पूछ लेना। और अंगूर ये कौन सा है? अंगूर ये गोल वाला है। गोल वाला क्या है इसका? 450 इसका प्राइस है 1100 रुपए। 1100, 20 किलो का 1100 रुपए, देख पा रहे होंगे। 55 रुपए किलो पड़ेगा। 55 रुपए किलो पड़ेगा। और आम का भी बताई दो। आम भाई, आम 100 रुपए किलो है। कहाँ का है? केरला का आम। केरला का आम है, देख पा रहे होंगे। पेटी में 7-8 किलो, 10 किलो, 14 किलो होता है। 14 किलो पेटी में, 16-17 सौ रुपए की पेटी बनती है। 16-17 सौ की पेटी है। तो पीछे देख पा रहे होंगे इनका अनार की पेटियाँ लगी हुई है और सोना नाम का अनार लिखा हुआ है। और जिस भाई को आना हो, मेरी दुकान है कैनरा बैंक 2 नंबर गेट, ओखला सब्जी मंडी, देख पा रहे होंगे गेट नंबर 2। थैंक यू भैया। नंबर 2 पे गुस्ती मंडी के अंदर है। थैंक यू भैया। ये किन्नो की गाड़ी है और आइए पूछते क्या रेट चल रहा है, कहाँ से आया हुआ है भैया, कहाँ का गाड़ी है ये? अबोहर। अबोहर से? तो अबोहर से एक गाड़ी आई हुई है, तो आइए पूछते रेट क्या है। तो क्या रेट चल रहा है? 20 रुपए। ये कौन से दाने, कितने दाने का ये? 45 दाने का 20 रुपए। और ये बड़े दाने जो है, एक नंबर 25 रुपए। और इससे बड़े साइज, इससे बड़े साइज का भैया? इससे बड़ा साइज अब कहाँ पेड़ में ना है, इससे बड़ा साइज। अभी और कितना दिन सीजन रह गया? बस 5 दिन का। और 5 दिन का सीजन रह गया किन्नो का, देख पा रहे होंगे। अरे गाड़ी है और 5 दिन बाद ये बंद होने वाले है। तो ये ओखला मंडी का जो रेट है आपको बताया जा रहा है। थैंक यू भैया। तो देख पा रहे होंगे आज सर जी इधर बैठे हुए है। नमस्कार सर, कैसे हो? आज इधर लगा दिया है? भाई की दुकान में बैठा हूँ। तो सर आज तो भाई ऐसे घूमने आया हूँ, आज छुट्टी रखा हूँ, ऐसे ले रहा हूँ कुछ वो मौसमी और उसका लेना था, ले लिया है। तो चल रहे आज, मैं आपको देख लिया, चलो चलते हैं मिलके। तो गाइस ये हाजी बाबा 254 नंबर शॉप है इनका और ये अनार के एरिया में बैठे हुए है। थैंक यू। आज मंडी का हालचाल थोड़ा सा ठंडा है और आइए पूछते हैं रेट। ये तरबूज का क्या रेट चल रहा है भैया? 20-25 रुपए। यार आज छुट्टी का दिन है, आज भी रेट इतना हाई रखे हुए हो, तो आज रेट कम कर देना चाहिए था ना, सेल ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा। आज रेट कम कर देना चाहिए था, घर से बना के दे खेत पर। अरे भाई अभी सुनो, तुम दे रहे हो यहाँ पे कितना? 20 से 22। और वहाँ पे आजादपुर में चल रहा है 17-18। तो ये किराया भाड़ा तो उतना ही लगता है ना, लाए कहाँ से हो? महाराष्ट्र से? हाँ उधर से ही लाए होंगे, आंध्रा से लाए हो, तो रेट किराया भाड़ा उतना ही लगा है। हाँ इसका ज़्यादा है, 7 रुपये। तो देख पा रहा हूँ 7 रुपये किलो किराया लग जाता है। और ये दाना कितना किलो का साइज का है? 3 से 4 किलो। 3 से 4 किलो का साइज है। हाँ साइज तो, और कलर भी देखो, अंदर दाना भी बढ़िया है, बिल्कुल लाल। क्या नाम है तुम्हारा? इरफान। और नंबर मिल जाएंगे, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, बताओ। 72-32-92-86। तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हो भैया, यहाँ पे ओखला मंडी पे लगाते हैं, स्वप्न नंबर 50 के पास। थैंक यू भाई। ये पपीता का एरिया है, 50 नंबर शॉप से पपीता का एरिया चलता है। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे पपीता वाले भाई लोग सेल आउट कर रहे हैं। भाई क्या रेट के दिए पपीता? पपीता 40-35। देख पा रहे होंगे 40-35, थोड़ा सा हल्का सा कम हुआ है 2-3 रुपए। और ये ओखला मंडी का जो रेट बताया जा रहा है, दिल्ली ओखला मंडी, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये बाजार की स्थिति है ओखला मंडी, और चारों तरफ खाली खाली सा दिखाई दे रहे हैं और लोग काफ़ी कम है यहाँ पे, और सारे लोग घर चले गए जितने भी मार्केट वाले थे। और कुछ भाई लोग यहाँ पे मार्केट कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं। खरबूजा कैसे दिया भाई जी? 40 रुपये 40 रुपये। पर ये सही भी होगा या नहीं? ये तो देख पा रहे होंगे ये 20 रुपये भी ले जा सकते हो गरीबों के लिए। मैं तो ऐसे ही ले जाता हूँ क्योंकि फ्रेश माल मिलता है, हो सकता है छोटा फ्रेश है। तो ये 20 रुपये किलो, तो देख पा रहे हूँ 20 रुपये किलो दे रहा है, तो ले लेता हूँ 1 किलो।
तो देख के लेना है, हल्का पका पका हुआ ले लेता हूँ। दो तीन दिन टिक जाएगा या नहीं? एक किलो, एक किलो ये दे दे। तो देख पा रहे होंगे 20 रुपए का किलो, ऐसे ये 70-80 रुपए किलो चल रहा है फ्रेश आइटम ना। और ये लोग हल्का सा दागी माल उठा के लेके आ जाते हैं ना भैया आप लोग, मतलब दुकानदारी नहीं है इसीलिए माल बेच रहे हैं ये। तो भाई लोग सेल आउट करते हैं और आगे चलते हैं, अभी कुछ और आइटम लेना है। संतरे कैसे दिए भैया? संतरा 50 रुपए किलो, ये वाला 40। तो देख पा रहे हो 40 और 50, 50 रुपए। ब्रोकली कैसे दिए भैया? 60 रुपए किलो। आइए 20 रुपए का, 20 रुपए तो एक दे दो भैया। तो सही हो ये वाले मत दो, ये दे दो। गाइस देख पा रहे होंगे ब्रोकली, ये मशरूम भी 20 रुपए में मिल गया। ऐसे 30 रुपए के नीचे देते नहीं है लोग सिंगल पीस। तो आज बाजार ठंडा है ना भाई जी? हाँ भाई साहब, आज होली की वजह से 40-30 रुपए का मिलता कम से कम। हाँ हाँ, तो ब्रोकली क्या रेट पर है आपका? 60-50 लगा देंगे। 50 ना, अभी अकेला हूँ मैं भी घर में, जैसे आप है ना यहाँ पे बैठे हुए, मैं भी घर पे बैठा हूँ अकेला। तो भाई लोग बैठे हुए होंगे, और देख पा लूंगे यहाँ पे मार्केट ठंडा ही है। अदरक का क्या रेट चल रहा है भैया? 140 अदरक। धीरे धीरे अभी रेट हाई होने वाला है क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है अभी। और उसके देखो टिंडा 20 रुपए किलो दे रहा है भैया। और ये ब्रोकली 40, ब्रोकली 40 हो गया, देख पा रहे होंगे आप, ले जा सकते हो। और गोभी कैसे दिया भैया? 40 रुपए किलो चल रहा है। कहाँ का गोभी है ये? हरियाणा। तो हरियाणा का गोभी है ये। तो अभी हल्का से दो चार, हाँ बाबूजी, बाबूजी बताओ, ये देखो क्या है बताओ। पहले तारीख के उसकी शादी होने वाली है। हाँ, ये बैगन बहुत खाता। हाँ, इससे मना करो, बैगन कम खाए। वो बैगन देखो लेके आया है। हाँ, चूचू बैगन लेके आया हुआ है। हाँ, सारा सड़ा हुआ गला हुआ। हाँ, तो लेगा ही ना तुम लोग, अभी सेल कर दो 2-3 रुपए में, 2 रुपए मतलब अपना मार्जिन रख के है। आज के दिन कौन बिकेगा? तो होली का ऑफर है भाई साहब। होली का क्या ऑफर है बताओ जल्दी, बताओ क्या ऑफर दे रहे हो बैगन का? होली का, होली का ऑफर क्या है? आज होली की खुशी में ये माल फ्री कर रहा है, फ्री कर रहा है। 30 रुपए वाला माल 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। तो आइए बैगन ले जाओ 10 रुपए किलो। भैया 10 रुपए किलो मिल रहा है ना? झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है भैया। 10 रुपए बताया इन्होंने, 20 रुपए पकड़ा गया झूठ। तो देख पा रहे हो ऐसा मजाक करते रहते हैं लोग, भाई लोग हमारे साथ कभी कभार। हाँ टाइम पास, ये तो आज टाइम पास वाला ब्लॉग चल रहा है। तो खीरा क्या रेट दिया भैया? भैया खीरा, खीरा 20 रुपए किलो देख पा रहे होंगे भैया भी। अरे ये वाले, ये वाले 50 रुपए दरी। तो मैं 1 किलो ले ही लेता हूँ जी, भैया से ले लिया खीरा। चलते भैया, और आगे चलते हैं, देखते हैं हल्का सा नज़ारा। तो खाली इधर देखो, पूरे माल ही माल पड़े हुए, आज सेल ही नहीं हो रहे इनके। आज बहुत बुरा स्थिति है। देखो ये जो फली है, चना है, ये चना गया सारा, फेंका जाएगा। देखो किसान बर्बाद हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे किसान बर्बाद होते हैं। इसका शायद किराया भी नहीं मिला हुआ इनको। तो आगे चलते हैं, प्याज पूछते हैं। प्याज क्या रेट दिया भैया? 120 रुपये भाई। ये कैसे दिए? खरबूजा ये 300 रुपये धरी भाई, 300 रुपये धरी। कहाँ का माल है भाई ये? भाई राजस्थान, राजस्थान का रही है लोग की। ये 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। तो गाइस सोच रहा हूँ लूँ या ना लूँ, एक बार राउंड मार के आता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और देख पा रहे होंगे आज स्थिति काफ़ी अलग है। भैया के पास से 30 रुपये किलो ब्रोकली ले लिया है आज, मतलब ये होली का सेल दे रहे हैं मुझे। हाँ, देख पा रहे होंगे भैया, ये देखो क्या दिखा रहे हैं। तो ऑनलाइन होगा,
बैगन ले लो 20। अंकल जी लहसुन क्या रेट दिए? लहसुन 130-120 और अदरक 140। तो देख पा रहा हूँ आज माल सस्ता ही है 10-20 रुपए। और यहाँ पे भी लगा हुआ है, नींबू भी है। और अदरक कैसे दिए भाई? हैप्पी होली भाई। 130 रुपए किलो जा रहा है इधर। और ये सब है देख पा रहे होंगे, ये जो मिर्ची और अदरक वाले शॉप जो है देख पा रहे होंगे ये एरिया। और मेरा शॉपिंग हो चुका है देख पा रहे होंगे, बस एक दो आइटम लेना है और फिर चलेंगे। आज शाम 10 बजे एक वीडियो आएंगे, उसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वो एक ऑफर लाया हूँ आप लोगों से जुड़ने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा जो आप लोगों को लाइफ टाइम देने की। तो उसके लिए कुछ रूल है, तो उसको आप लोगों को फॉलो करने होंगे। तो आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।